जिन जिन लोगों का योगदान है मुझे यहां तक पहुंचाने में, आप सबसे मिलवाने में, मैं सबसे पहले मेरे उन शिक्षकों को नमन करना चाहूंगा जिन्होंने मुझे अभी भी विद्यार्थी बनाए रखा है। मुझे सबसे बड़ी शिक्षा मिली कि भीतर के विद्यार्थी को कभी मरने मत देना, और अगर भीतर का विद्यार्थी जीवन भर जीता है तो हमें जीने की ताकत भी देता है। मैं आज विशेष रूप से हमारे देश के विशेष करके टेलीविजन मीडिया का अभिनंदन करना चाहता हूं, आभार व्यक्त करना चाहता हूं। जिस समय स्वच्छ भारत ये विषय लेकर के मैंने देश के सामने विषय रखा, जो ज्यादातर देश के बालकों ने पकड़ लिया, एक प्रकार से वो रिवॉल्यूशन लाने वाले हमारे हर परिवार के बालक हैं। घर में वो टोकते हैं, एक अंडा करते हो, इधर डाल दिया, इधर फेंक दिया, इधर रख दिया, वैसे बच्चे जागरूक हो गए और उसके कारण एक माहौल बदला है। और दूसरी उसकी मदद की है मीडिया ने, स्वच्छ भारत अभियान को मीडिया ने इतनी ताकत दी, इतना सकारात्मक रूप दिया कि आज वो हर एक की जिम्मेवारी बनता चला गया है। वरना क्या होता, अगर वो सरकारी कार्यक्रम रहता तो सरकार और जनता तनातनी चलते, कुमकुम मैं करते, लेकिन इसको पूरा रूप बदल दिया गया। आज ऐसी एक उत्तम सेवा मीडिया के माध्यम से हो रही है, ये बातचीत ये तो प्रधानमंत्री का कार्यक्रम नहीं है, ये तो मोदी का कार्यक्रम है, ये देश के करोड़ों बच्चों का कार्यक्रम। तो मैं उनका बड़ा आभार व्यक्त करता हूं और मुझे विश्वास है कि मुझे एक विद्यार्थी के नाते और आपको मेरे एग्जामिनर देखते हैं, बाद में आप लोग तय करना कितने अंक देना है दस में से, तो शुरू करें। टीचर को अच्छा लगे या माँ बाप को अच्छा लगे, देखा ईमानदारी से किया,
लेकिन एक चीज होती है, अगर आत्मविश्वास नहीं है तो कितने ही मेहनत की है, क्लासरूम में बैठते हैं, एक शब्द याद आता है, ये भी आता है उस किताब में है, फिर याद आता है उस पेज पर है, फिर याद आए उस पेज की पांचवी छठी लाइन में है, सब याद आता है, शब्द याद नहीं आता है। ऐसा होता है ना। मैं बचपन में विवेकानंद जी को बहुत पढ़ता रहता था। अहम ब्रह्मास्मि कहते थे कि अपने आप को ब्रह्म मानो, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म का रूप हूं, यानी आत्मविश्वास जगाने की बात करते थे। दूसरी भी एक बात बड़ी मजेदार विवेकानंद जी किया करते थे, वो कहते थे, और उस जमाने में 33 करोड़ देवी देवताओं की चर्चा हुआ करते थे, वो कहते हैं कि तुम 33 करोड़ देवी देवताओं का पूजा पाठ करो, 33 करोड़ देवी देवता तुम पर आशीर्वाद बरसाएं, सारी कृपा बरसाएं, लेकिन तुम्हारे अंदर कोई विश्वास नहीं होगा, आत्मविश्वास नहीं होगा, वो 33 करोड़ देवी देवता भी कुछ नहीं करेंगे।